नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देंगे। प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है? जैसे कि कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन होता है। स्वस्थ शरीर में माय डियर फ्रेंड पुष्ट, मन पवित्र, आत्मा प्रबल, प्राण प्रखर होता है। मेरे दोस्त, अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें हर एक चीज की जानकारी अच्छी तरीके से मिलती है, हमारा मन विकास अच्छी तरीके से करता है। जिस तरह से मेडिसिन तीन प्रकार की होती है मेरे दोस्त, तो आप लोग जानते होंगे, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद। माय डियर फ्रेंड, अगर हम फर्स्ट एड के बारे में आज आपको जानकारी देना चाहते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। जिस तरह से अगर किसी आदमी को चोट, मोच, घाव या किसी कारण कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो जो सर्वप्रथम हम उपचार करते हैं, उपचार में क्या होता है, अगर उसको सुविधा प्रदान करना ही फर्स्ट एड कहलाता है। तो फर्स्ट एड में यह होता है कि जिस तरह से अगर किसी मरीज को दुर्घटनाग्रस्त स्थित होता है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको उठाकर हम किसी अच्छे स्थान पर, जहाँ पर अच्छी वातावरण हो, हवा चलती हो, अच्छे स्थान पर उसको लेटा देते हैं। लेटा देने के बाद उसको देखते हुए उसके घाव को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर किसी कपड़े से बांध देते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार गाड़ी की व्यवस्था कर हमें उसे अस्पताल पहुंचाना है। और अगर वो पेशेंट घबरा रहा है तो हमें उसको सांत्वना देना है, उसको समझाना है कि अच्छे से अच्छा इलाज हो जाएगा। दूसरा, माय डियर फ्रेंड, अगर घर में हम कोई काम कर रहे हैं, किसी कारण कैसे भी या अटेंडम जल जाते हैं, तो जलते समय हमें क्या करना है, अगर हम जल गए तो हमें उसे कुछ नहीं करना है, ना तो उसको पानी से धुलाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। सर्वप्रथम उस पर हम नमक लगा देंगे। नमक लगाने के बाद तुरंत नजदीकी करीबी जो हमारा अस्पताल है हम वहाँ ले जाएंगे। अगर वो भी सुविधा नहीं हो रही है तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दूसरा, अगर हम देखते हैं कभी कभी इंसान नदी में डूब जाता है, गिर जाता है, किसी कारण कुछ भी हो जाता है, तो उसको तुरंत निकाल कर फर्स्ट एड उसको ये देना है कि उसको पेट के बल लेटा देना है। जब उनको पेट के बल लेटा देंगे, लेटाने के बाद अपने दोनों हाथों से उसको अच्छी तरीके से पेट को दबाएंगे। जब हम उसके पेट को दबाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो जो उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी चला जाता है वो पानी निकल जाता है। अगर इंसान बेहोश की व्यवस्था में है, अगर वो बेहोश है तो हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट एड में उसको कृत्रिम तरीके से उसको ऑक्सीजन देने की भी कोशिश करते हैं। अगर फिलहाल भी वो होश में नहीं आता है तो जल्द से जल्द गाड़ी की व्यवस्था करके माय डियर फ्रेंड उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। कभी कभी देखा जाता है मेरे दोस्तों, गांव या देश कहीं भी होता है, बिच्छू या सांप किसी को डंक मार दिया, तो डंक मारने पे हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डंक मारे हुए काटे हुए स्थान पे आगे थोड़ा सा बांध देते हैं, किसी भी चीज से देखते हैं, हमारे घर में बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो उसको हम बांध देते हैं। बांध देने के बाद उसको अच्छी तरीके से साबुन या किसी चीज से धुल देते हैं। धुलने के बाद माय डियर फ्रेंड, एक नई ब्लेड मंगवाकर काटे हुए स्थान पर हल्का से दबाकर उसको पिक कर देंगे, और पिक करने के बाद जो जहरीला ब्लड होता है उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, झाड़ फूक के चक्कर नहीं पड़ता है, क्योंकि गांव में देखा जाता है इंसान कहते हैं उसको बुला लो, झाड़ फूक के चक्कर में कतई नहीं पड़ना है। गाड़ी लेकर किसी तरह कैसी भी व्यवस्था करके जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा देंगे। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सरप्राइज करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड, धन्यवाद।